हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोनी पर टेलीकास्ट होने वाले शो यानी कि इंडियन आइडल सीजन 13 को अपने टॉप 15 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं, लेकिन इसी बीच रितु रिवा, जो कि फैंस के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बन चुके थे, अब उन्हें टॉप 15 में जगह नहीं मिली है, जिस वजह से फैंस भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है। लेकिन दोस्तों बता दें आप सभी को कि इसी बीच रितु रिवा ने यहां पर जजेस के इस फैसले को एक्सेप्ट किया है और साथ ही साथ अपने फैंस से कहा है कि उनका सफ़र इंडियन आइडल में बस यहीं तक था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रितु रिवा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के ज़रिए अपने सभी फैंस का धन्यवाद किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने सभी फैंस से इस बात की अपील भी की है कि वो जजेस को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि जजेस ने भी अपनी सूझबूझ, अपनी समझ से ही टॉप 15 कंटेस्टेंट को चुना है और मुझे बहुत ही बड़ा मौका मिला कि मैंने अपने अरुणाचल प्रदेश को इतने बड़े स्टेज पर रिप्रेजेंट किया है और मैं यहीं पर नहीं रुकूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बता दें आप सभी को कि रितु रिवा का जो ये पोस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर फैंस भी रितु रिवा की इस हिम्मत को देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो वहीं विशाल ददलानी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शो के बड़े सिंगर और जज यानी कि विशाल ददलानी ने भी रितु रिवा के इस पोस्ट पर कमेंट किया है और उनकी जमकर तारीफ की है कि तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, तुम एक कंपोज़र भी हो, सिंगर भी हो और राइटर भी हो, तुम यहीं पर नहीं रुकोगे, तुम और बहुत आगे बढ़ोगे, तुम तरक्की करोगे और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक गाना रिकॉर्ड करूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब विशाल ददलानी का कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ऐसे में फैंस भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विशाल ददलानी जो है वो रितु रिवा के साथ गाना रिकॉर्ड करे। अपडेट जानने के लिए, अपने फेवरेट सिंगर से जुड़ी सभी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले।